वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा MIB और MSO के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड के तरफ से एक अपडेट आई है जिसके तहत बताया गया है कि इंडिया में कितने MSO लाइसेंस अभी पेंडिंग है और कितने लाइसेंस अप्रूव किए गए हैं, उसके बारे में ही आज की वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, MSO यानी कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर इंडिया में लगभग 1670 के आसपास ऑलरेडी अप्रूव्ड MSO हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ कि अप्रैल 2019 से लेकर टिल नाउ 223 MSO के लाइसेंस के लिए ये अपील किया गया था और अभी तक 123 MSO का लाइसेंस अप्रूव किया गया है। अप्रैल 2019 से लेके अगस्त तक की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त 2020 तक का, यानी कि 223 MSO के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, जिसमें से 123 MSO लाइसेंस को अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी टोटल MSO लाइसेंस की बात करूँ तो लगभग 1670 के आसपास अप्रूव्ड MSO लाइसेंस है। इसके बाद दोस्तों बता दूँ, 108 MSO लाइसेंस अभी भी पेंडिंग है MIB के पास, जो कि अप्रूव्ड होना बाकी है। तो जैसे कि दोस्तों बता दूँ, इंडिया में जितने भी बड़े DTH और केबल TV के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे DTH में टाटा स्काई, डिश TV, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट, DTH, ये चार पांच बड़े कंपनीज हैं। उसके अलावा केबल TV में लगभग 43% सब्सक्राइबर बेस केबल TV के पास है, 37 के आसपास आपका DTH के तरफ है, रेस्ट ऑफ आपका OTT और DD फ्री डिश के तरफ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि MSO लाइसेंस इतना ज़्यादा ओपन होने से कहीं ना कहीं केबल इंडस्ट्री को ये लिए एक अच्छी बात भी कही जा सकती है और एक बुरी बात भी कही जा सकती है। अच्छी बात इसलिए कही जाती है क्योंकि नंबर ऑफ MSO ओपन हो रहे हैं तभी जब यहाँ पे FTTH करने के व्यू से लोग MSO लाइसेंस ले रहे हैं, ताकि ट्रिपल प्ले सर्विसेज दे सके अपने सब्सक्राइबरों को। क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट, केबल TV, वॉइस कॉल, तीनों फैसिलिटीज़ लेके उतरना ही मार्केट में अगर लंबे टाइम तक अगर सर्वाइव करना है, ये तीनों के तीनों फैसिलिटी होना चाहिए, तभी आप मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे। तो अभी जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से अपडेट आया है, जिसमें 108 MSO लाइसेंस अभी भी पेंडिंग है। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में कुछ MSO का लाइसेंस अप्रूव किए जाएंगे, उसके बाद इंडिया में लगभग 1700-1750 के आसपास MSO हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, जो कि आपको केबल TV की सर्विसेज देंगे। तो बेसिकली जितने ज़्यादा MSOs होते हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर किसी एरियाज़ में अगर डेंसिटी, हैथवे, GTPL जैसे जो ग्लोबल MSO हैं, जो कि इंडिया के सभी शहर में उनके ऑलमोस्ट फीड्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके जो भी है शेयर और हिस्सेदारी कम होने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नेटवर्क अगर एक शहर में खुलता है तो उसके कुछ न कुछ सेट बॉक्स कम ही होते हैं, जिससे ग्लोबल नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसा कि जियो ने डेन, उसके अलावा हैथवे, GTPL को अपने साथ मिला लिया था, जिसके वजह से केबल इंडस्ट्री के एक तरीके से देखा जाए तो कमर टूटता सा नज़र आ रहा था। तो इंडिपेंडेंट MSO जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा मोनोपोली थोड़ा बहुत ख़त्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि भी बड़े नेटवर्क एक साथ मिल के उनके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा है, तो वो 10-20 रुपये की प्रॉफिट पे भी अगर काम करें तो इंडिया में जितने इंडिपेंडेंट MSO हैं उन्हें ख़त्म करने में कारगर साबित हो सकते हैं। बट अगर इंडिपेंडेंटली अगर हर एरियाज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट MSO से काम करें, बड़े MSO अगर छोटे में तब्दील हो जाए तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं DTH केबल TV के सब्सक्राइबरों को तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर को तो सिर्फ सर्विसेज से मतलब है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा पंचुअलिटी होना होगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस, जितना ज़्यादा MSO, उतना ज़्यादा उन्हें भी हर चीज़ डे बाई डे अपडेट्स करना होगा। तो बेसिकली ये MIB की तरफ से अपडेट आया था दोस्तों कि 123 MSO लाइसेंस अप्रूव कर दिए गए हैं और 108 MSO लाइसेंस अभी भी पेंडिंग है, जो देखना होगा कि 2020 एंड होते होते कितने MSO लाइसेंस अप्रूव्ड होते हैं। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।